फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खा खाइए से होंगे। तो आज के व्लॉग में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। ठीक है, तो व्लॉग स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना क्रमलिंग से। ठीक है, तो ये क्रमलिंग सबसे पहले तो आज मतलब एक आज फ्राइडे का दिन है। मैंने आप लोगों को भी बताया भी था कि मैं जो है ना वो दूसरा व्लॉग में भी रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक सेकेंड वेट जी। तो मैंने कहा था कि मे बी मैं दूसरा व्लॉग रिकॉर्ड करूं, तो बुशरा नासिर की रिक्वेस्ट थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ना प्लीज़ ब्लैक चारकोल की क्रमलिंग करो। तो बुशरा नासिर उस व्लॉग में हम लोग नहीं कर सके थे, सॉरी, क्योंकि हम लोग वहाँ से उठे ही नहीं थे। तो ये व्लॉग आपके लिए, स्पेशली व्लॉग में आपके लिए क्रमलिंग। ठीक है, आप हमारे बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हो, तो आप लोग बताइएगा इस मोबाइल के ऑडियो का रिज़ल्ट। ठीक है, इसमें मैंने कोई माइक वगैरह नहीं अटैच किया, बस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ व्लॉग आप लोगों के लिए। क्रमलिंग ब्लॉग होगा ये। इस तरफ मैं आई हूँ तो मामा ने कहा है कि भाई ये वाले चारकोल की। ओए मम्मा, मैंने बताया ना कि अभी जुम्मे का टाइम है ना, तो खाला और नानी लोग आए ना, तो आप ही पूछ रही है कितने गिलास चावल पकाने हैं। मम्मा कह रही हैं 3 गिलास स्टील के बड़े वाले। मैंने कहा मम्मा देख के मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ जी, ऐसी बात तो नहीं है, सही कह रही है मम्मा आप। तो मैंने कहा है वो लोग, राबिया पूछ रही है कि मम्मा हाँ, कितने गिलास, आप ही पूछ रही है मम्मा कितने गिलास चावल, तो मम्मा ने बोला 3 गिलास चावल। ठीक है, तो साइड साइड पे मैंने कर दी थोड़ी सी क्रमलिंग चारकोल के लिए। मम्मा ने पहले मुझे बोला कि चारकोल वाली साइड पे मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मम्मा ना और किसी टेक्सचर के पास कवर करके बैठे ना बैठे, इसके पास मम्मा ना मस्ट अपना फेस कवर करके बैठती है। मम्मा कहती है मुझे इससे ना उलझन होती है और मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है मम्मा इससे, मुझे बहुत मज़ा आता है। और मुझे किसी चीज़ से पता क्या है, मैं बहुत डर डर के कर रही हूँ क्योंकि बारिश हुई है, नीचे पानी गिरा हुआ है, और मैंने कहा कि मैं टेक्सचर के बीच में जो है ना वो क्रमलिंग कर दूँ अपनी। मम्मा ने वैसे पता है मुझे बोला था, मैं बोला कि तुम जो है वो उसकी चारकोल की क्रमलिंग, मम्मा ने बोला सब चीज़ों की क्रमलिंग तुम किसी शेप में करना। तो मैंने कहा मम्मा नहीं, मैं जो है ना वो बस करूँगी इसमें क्रमलिंग। तो मेरी पप्पा आई, खाला आई थी, तो मैंने कहा उनके मोबाइल का उसे मैंने रिजल्ट देखा था कैमरे मतलब ऑडियो का ना, तो वो काफ़ी अच्छा था। तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा मैं उनके मोबाइल में चेक कर दूँगी रिकॉर्ड करके। तो मम्मा कहती हैं अच्छा चलो ठीक है भाई। अब मम्मा उधर बैठ के ना मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही हैं। थोड़ी सी मम्मा ने कहा है सब चीज़ों की क्रमलिंग जो है ना वो उसकी उसी चीज़ में करना जहाँ क्रमलिंग कर रही हो ना। मम्मा आई थिंक से थोड़ी जगह इस तरफ बनाते हैं, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, मैं पहले थोड़ी थोड़ी जगह बना लूँ ना जहाँ हम लोग क्रमलिंग कर लें ताकि आराम से शाम को फिर बारिश या सब कुछ कवर करके मैं और मम्मा फिर जाएँगे। मैं बताया ना जुमे का दिन है, मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। मैंने मम्मा का, मम्मा एक बार हम ब्लॉग रिकॉर्ड कर लें फिर ही नहाएंगे। मम्मा कहती हैं चलो ठीक है जी। ये देखें, अब मैं इसी की क्रमलिंग कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं एक साइड पे बिल्कुल कोने पे कर रही हूँ आराम से, ताकि कुछ भी मिक्स ना हो, ताकि मेरी मम्मा से बेइज्जती ना हो। मम्मा बोल रही थी इस चीज़ में करो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, मैंने कहा नहीं होगा मम्मा आप बेफिक्र हैं, व्हेन आई एम हेयर देन व्हाट इज़ द टेंशन। ये ना कह देना आपकी टेंशन ही तुम। ये देखें बस क्रमलिंग कर ली है इसकी भी हम लोगों ने। आई थिंक सो ऐसा करती हूँ ना, मैं इस टेक्सचर को उठा के ना उधर बीच में डाल देती हूँ ताकि यहाँ पे जो है ना जगह हमारी साफ़ हो जाए। एक सेकंड मैं ये जगह साफ़ करके फिर मिलती हूँ ना, रुके मैं भी करूँगी आप भी करना जी। तो ये देखें मम्मा ने बाउल रख दिया, कह रही है इसमें क्रमलिंग करो नीचे ना गिराओ। मैं बताने वाली थी आप लोगों को कि लास्ट जो है ना मेरा वो चल रहा है लास्ट मतलब आई थिंक सो 1 वीक है या 2 वीक है बस, जो हमारी जो है वो वेकेशन के रह गए हैं, हॉलीडेज हमारी ख़त्म होने वाली हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, और ये भी हमारा फुल बिजी है। एक तो हम लोग कल चले गए थे इस्लामाबाद पिंडी, ठीक है, अब संडे को हम लोगों ने जाना है हमारी जो मतलब एसोसिएशन है उसमें एक फंक्शन है उधर जाना है, एंड देन नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे को हम लोगों ने शादी भी जाना है, हमारी गली में शादी है। चलो मम्मा बाप करें, ठीक है करें जी। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में करते हैं आपको खुश आमदीद, जो कि बुशरा पहले से कर चुकी है और मेरी इससे थोड़ी थोड़ी सी बीच में बातें भी हो रही थी। तो चूँकि अब हम आमने सामने हैं, आमने सामने सामने, चलिए तो तोड़े तोड़े, तो चले मैं करती हूँ सबके लिए क्रमलिंग। हाँ मज़े की है, मैंने कहा है ना मुझे टेक्सचर पता नहीं क्यों आ लगता, मामा को सही आती है क्रमलिंग वगैरह, मैं वैसे ही नकमी पूजी। असल में टेक्सचर मम्मा ने ना ऐसे रखे हुए हैं, मम्मा की कोशिश होती है कि एक भी मिक्स ना हो, इसलिए मम्मा जो है ना बिल्कुल आराम आराम से करती हैं, मुझे भी बार बार इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। लोग कह रहे होते हैं ना कि हमारे इतने अच्छे टेक्सचर हैं,
सिर्फ ये इसीलिए पढ़े हुए हैं कि मैं इनको बिल्कुल भी मिक्स नहीं होने देती, बिल्कुल भी। मुझे भी बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि भाई जो है मैं बता रही हूँ टेक्सचर मिक्स ना हो, मिक्स ना हो। तो मम्मा रुके ज़रा, मैं इतना उधर मिक्स निकाल लूँ थोड़ी सी, बीच में अगर मुझे यहाँ पर जगह मिले तो थोड़ी सी करूँगी। मम्मा शेप काफ़ी सारी हैं, पता क्या है बीच में भी जगह नहीं बची हुई। आपने सेटिंग में तो करके रखा है लेकिन आपने ना ये देखें चारकोल में घुसा दिया सारा ही। मैं चाहती हूँ मिक्स ना हो कुछ भी, चारकोल को इस तरफ रहने दें। बैठी क्रमलिंग कर कर मम्मा मैंने उस तरफ की है, वो देखें सर, ये देखें हम लोग करते हैं क्रमलिंग। मेरा बाजू भी जो है ना वो थोड़ा सा हो गया ख़राब। ये देखें आज का व्लॉग जो है ना फुल क्रमलिंग व्लॉग होगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बताई थी कि बस ओपन होने वाली है, तो बस हमारा मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। आप लोग दुआ देना, आप सबकी दुआ की ज़रूरत है मुझे, ठीक है? तो सब मुझे दुआ देना कि भाई मैं जो है ना अच्छी अच्छी मेहनत करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कि मेरा GPA जो है ना वो अच्छा सा बन जाए। आमीन। जुमे का दिन है, सब दुआ पे आमीन। आमीन। हाँ शुक्रिया मम्मा। अभी नानी अम्मी आई ना तो मैं मम्मा ना अपने अपने ही किस्म के लाड कर रहे थे ना, मैं मम्मा के साथ बैठी भी ना तो हम दोनों ऐसे जैसे ना वो एक दूसरे से ना गले नहीं लगते इस तरह बैठे हुए ना, तो नानी अम्मी कहती हैं ये तुम्हारी बेटी कौन सा ससुराल जा रही है ना, तो तुम दोनों एक दूसरे को पता नहीं नानी अम्मी बोलती है ना गप्पी हाँ गप्पी कुछ इस तरह का बोलती है ना, जप्फी कहती हैं, जप्फी जप्फी डाल के बैठी हुई है दोनों, ये कौन सा कहीं जा रही है ना। ओहो भाई मेरे तो हाथ ही रह जाते हैं, मम्मा की हिम्मत है भाई। बहुत मज़े का टेस्ट है ये, हाथ रहने वाला कहाँ है। चलो मम्मा मैं ना बिल्कुल फारिग हो रहा, तुम एक मिनट रुके मैं उधर आ जाती हूँ ना, जल्दी तो नहीं हो ना उधर से मज़े का। एक मिनट रुके, ये देखे जी ये अब इतना हार्ड हो चुका है ना, यकीन माने ए, आपको आवाज़ से ही पता चल जाएगा, ये देखिए, मगर बहुत मज़े का। मैं भी मतलब जितना ज्यादा हो सकता है ना मेरे जैसे बंदे को, अभी ये देखे इसको भी थोड़ा क्रम्बल कर लेते हैं, ये बड़ा मजे का होगा। जहाँ तक मुझे भी दे, इतना मजे का नहीं है जितना वो है दूसरों की थाली में घी का ना। ये बात तो है, गोला गोला बिरयानी पक रही है घर पे आज, फिर उस दिन लाइव में गोला को बिरयानी दिखाएंगे अभी एंड पे, राबी बना रही है आज। चले हटे बस, सबर सबर ये नहीं मजे का टूटा ये वाला। मम्मा सब कितनी चलाक है, हर चीज तले उठा लेती है मजे वाली। रुके वाली रुके रुके, चलो चले। ये चीज ये मैंने कुछ रखी थी। ओ माय गॉड, चलो थंबनेल लेते हैं। आपने नहीं थंबनेल, इसका लेते हैं, इसका लेते हैं ना। ये चक्कर है मम्मा, ये चक्कर है मम्मा, ये चक्कर है। वो आप वो नीचे करें, मैं ये नीचे करती हूँ। मम्मा मेरे बराबर कर दें प्लीज, आप करें, आपका हाथ सही है ना, क्लिक करें और उस फोटो पे क्लिक करें। चलें बटे मैं इसका भी दे लूँ एक। ये टेक्सचर है, ये बड़ा मजे का बनता है। इस टेक्सचर को तो किसकी दुआ है मर्द वाले को, मेरी लगी है अम्मा दुआ के। अब तो मेरा दिल चाहने लग गया कि कई लोग मुझे कह रहे होते हैं ना कि आपका मर्द का टेक्सचर बहुत अच्छा है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कहूँ ठीक है जिसने ख़रीदना है वो मुझसे रब्ता करे और मैं इसको बेचने लग जाऊँ, इसको मैं बेचने लग जाऊँ मर्द का टेक्सचर नाम दिनों में ही सेटिंग और दिनों में ही जो है ना मेरा धंधा अच्छा चल पड़ेगा, क्योंकि देखें ऐसा मर्ड ये देखें हाँ ऐसे करते हैं वही ना, रेड क्वीन की तरह। रेड क्वीन मैं आपको कॉपी कर रही हूँ, नहीं सॉरी कॉपी नहीं करते, रेड क्वीन आपसे इंस्पायर होके कर रहे हैं पता है। ऐसे मैंने लोग तो कह देते हैं ना, मैंने देखे हैं स्टैक क्रशेस ना बहुत सारे उनकी चौक वालों की वीडियोस में, लेकिन मुझे जो है ना रेड क्वीन का बड़ा मजे का लगता है। मुझे बोलो उनके हाथ छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं ना, उनके हाथों में बहुत मजे का लगता है, गोरे गोरे से उनके हाथ है ना, उनके गोरे गोरे से आते हैं। अच्छा कल मैं यूनिक की एक वो देख रही थी, उन्होंने वो चकोर वाली जो लगाई हुई थी उफ इतने मजे की वो, हाँ वो मर्ड वाली बहुत मजे की, इतने मजे की वो वीडियो, और ऊपर से
यूनिक ने इतने अच्छे तरीके से उसे क्रम्बल किया हुआ था। बहुत उनके अंदर टैलेंट है बिग शेप्स को हैंडल करने का। यकीन करें मुझे बड़ा मजा आया कि मैं हालांकि ना मैं ऐसी झूठ नहीं बोल रही, मैं ये क्रम्बलिंग वाली वीडियोस कम ही देखती हूँ। एक तो मैं स्टार है समार है उनकी देख लेती हूँ, अक्सर आ जाती है मेरे पास। तो एक मैं जो है वो ज़ाहिर मेरे पास आती भी उन्हीं की है जिनकी मैं देखती हूँ। तो RM के व्लॉग्स देखती हूँ, गोला के व्लॉग्स देखती हूँ और वीडियोस भी गोला की देखती हूँ, और ज़्यादा जो है ना आजकल मैं रेड क्वीन के और यूनिक के देखती हूँ। और मैं सबके देखती हूँ। अच्छा मेरे से ना पूछा करना, तो प्लीज़ कोई माइंड ना करे। बाज़ूकात ऐसे होता है कि आपका दिल चाह रहा होता है इसी बंदे को देखें सिर्फ, तो उसी बंदे को ही देखा जा रहा होता है। और क्रम्बलिंग अब माशाल्लाह माशाल्लाह उनके तो क्या उनका लेवल है यार, अलग है। उनके टेक्सचर वाकई उन जैसे टेक्सचर नहीं। अब्दुल आ गया, चलो गेट खोले। सबके टेक्सचर अलग अलग। एक मिनट। अच्छा मैं ये भी नहीं कहती कि वाकई में सब कॉपी करो, मैं भी किसी को कॉपी नहीं करती। जितने हमारे टेक्सचर हैं हमारे अपने बनाए, सब टेक्सचर अपने सीखा है। हाँ बस अब्दुल कयूम आया, असल में बाइक की बेल पे हाथ ही रख के बैठ गया। मैं बना रही थी ये ब्राउन डर्ट बनाई है मैंने थोड़ी सी। वालेकुम सलाम। ये ब्राउन डर्ट है जो मैंने बनाई है थोड़ी सी, तो मैंने सोचा आप लोग से ये भी शेयर कर लूं। जी बेटा दो बनाए हमने अभी। अब्दुल कयूम जमा पढ़ के आ गया, कह रहा जब जा रहा था ना तब पहला व्लॉग बन रहा था, कह रहा मम्मा जी इतनी देर से व्लॉग बना रहे हैं। मैंने कहा जी, तो बस मेरे ख्याल से मम्मा मैं आगे जाके एक दो टेक्सचर और पढ़े उनकी क्रम्बलिंग करके व्लॉग को एंड करती, क्योंकि पिछले व्लॉग में ना हम लोगों ने काफ़ी सारा वाइट कंक्रीट वाला टेक्सचर क्रम्बल कर लिया। मम्मा कहती दूसरे व्लॉग में उस तरफ तू गई ना तो तुझे मैं जोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा चलो दूसरे व्लॉग का स्टार्ट हम चारकोल की क्रम्बलिंग लेते हैं। ठीक है दो व्लॉग हम लोगों ने आज ही बना लिया है, क्योंकि एक आज फ्राइडे को डल जाएगा एक कल डल जाएगा। और पता नहीं क्या हमारी गंदी आदत है ना, जब हम इधर आ जाते हैं ना, हालांकि अब मेरी मम्मी अंदर आई बैठी है, इधर आ जाए ना तो अभी निशा मुझे कह के भी गई है मम्मा जी ये कोई तरीका नहीं है आपका, आपकी मम्मी अंदर बैठी हैं और आप इधर आके बैठ गई हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ यार, जब मैं तभी मैं इधर आती नहीं हूँ, जब मैं इधर आ जाऊँ तो मेरा जाने को दिल नहीं। लेकिन मम्मा सही हो गया ना, परसों आपकी बर्थडे भी है, परसों हम लोगों ने जाना भी है। ठीक है तो हम लोग आ भी नहीं सकेंगे माँ जी जी, वेलफेयर एसोसिएशन में। तो आगे जाके क्रम्बलिंग करती हूँ मैं टेक्सचर्स की। ठीक है जो रह गए मम्मा ने दिखाई है ब्राउन कलर, मैं वाइट सैंड सीमेंट की करूँगी बस। ये सैंड सीमेंट की उस दिन हम लोगों ने बकेट में क्रम्बलिंग की, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। ठीक है बहुत ज़्यादा आप सब ने पसंद की थी। ये चेक करें, मैं ना इसका थंबनेल लेने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, ओ माई गॉड मम्मा आएंगी आएंगी इधर, लेवल है लेवल है बॉस। हाय ये मर्द का वो वाला तैयार हो गया, इसको भी उठा मार। एक मिनट रुके बस, थोड़ा सा रिकॉर्ड करके एंड करते हैं व्लॉग को, क्योंकि ना मेरे ख्याल से इस मोबाइल में स्टोरेज उनके में ख़त्म हो गई है। तो यार बस मैंने देखा इन मोबाइलों में स्टोरेज खत्म रहती है, हमारे में कहीं ख़त्म होती है। हमारे में तो नहीं कम मम्मा, बस स्टोरेज खत्म हो गया, वो कह रहे हैं और नहीं बन सकेगा कुछ भी। तो बस अब मैंने आपको बुला तो लिया था, लेकिन सॉरी मैं जल्दी जल्दी क्रम्बलिंग करके ना मैंने करनी भी नहीं, एक चैंक की और अंदर चली जाती हूँ बस। ये लास्ट चंक है जिसकी क्रम्बलिंग मैं करूँगी अभी। ये देखें बाजू पे चारकोल लगा हुआ है, तो बस स्टोरेज ख़त्म हो रही है, स्टोरेज का ऑप्शन आ गया। बस इसकी हम लोग करते हैं क्रम्बलिंग, फिर हम लोग चलते हैं अंदर। मैंने नहाना है, नमाज़ पढ़नी है, और मुझे देखो जो कैसे मैं बेशर्मों की तरह बैठी हुई हूँ और होश ही नहीं है कोई। सारा घर को नहा धो लिया हम तरक्के, हम दोनों इधर बैठे हैं। मेरी अभी निशा है ना अंदर से बोल रही हूँ ऊँचा ऊँचा, मैंने कहा चुप कर व्लॉग बना ले, फिर और ऊँचा ऊँचा बोलने लगी है, कहती है नहीं चुप करूँगी। मैंने कहा बकवास बंद कर अंदर जा, कहती है सा घर में मेहमान आए हैं तुम लोग उधर जाके बैठ जाया करो, बंदा मेहमानों के पास बैठता है। मैंने कहा यार तू बैठी भी ना मेहमानों के पास काफ़ी है। ठीक है तो बस ये व्लॉग था छोटा सा क्रम्बलिंग व्लॉग, एक व्लॉग आउटिंग का बना लिया। ठीक है उस पर आप लोगों ने व्यूज़ नहीं दिया, अब हम लोगों ने मैंने मम्मा ने सोचा कि क्यों ना दो क्रम्बलिंग व्लॉग बना लिए जाएँ, क्यों ना अम्मा, ताकि ये लोग जो है ना हमारे व्यू हमें दें। तो आज का व्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट ही चारकोल की क्रम्बलिंग से किया है, उनको भी देखा करें मज़ा आता है। ठीक है तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें कि हम उन्हीं के बना रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट व्यू, इस वजह से हम लोग बस उसके व्लॉग बीच में बना लेते हैं। और अगर आप लोग देखेंगे अपना रिव्यू देंगे अपने रिमार्क्स देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है जो हमारे कुछ जो बेस्ट सब्सक्राइबर्स हैं ना उन्होंने तो देखे हैं, मतलब इन्हें बंदा देख के ना कहता है कि ये पक्के सब्सक्राइबर हैं। ठीक है मैं वही बता रही हूँ कि ये इनको देख के ही पता बंदा कह देता है कि ये हमारे पक्के सब्सक्राइबर्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा उनका भी बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं चले कभी तो कभी कुछ तो आपको देख लेंगे, आपको पसंद आ जाएगा। देखें ये बहुत ज़्यादा डस्टी है यार, बस आई थिंक सो अपने व्लॉगों में करना चाहिए यहीं पर एंड। तो मैं जाऊँ नहाने, बस ये क्रम्बलिंग व्लॉग था आप सबके लिए, एक व्लॉग आउटिंग था तो एक क्रम्बलिंग हो गया, ताकि आप लोग बोर ना हो और आप लोग ये ना समझे कि हम लोग आपको क्रम्बलिंग व्लॉग नहीं देंगे। ठीक है
तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना। तो बस दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन। अल्लाह हाफिज़। ओके एवरी वन, अल्लाह हाफिज़। ये देखें चंक का मलिदा ही निकल गया, तो मैंने सोचा चलो इसे भी मैं क्रम्बल कर देती हूँ। कुछ पीसीस बहुत मज़े के मैं बस काफ़ी इतना व्लॉग, एक व्लॉग पिछला हो गया और एक ही हो गया, दोनों क्रम्बलिंग व्लॉग हो गए हैं फुल। ओके एवरीवन, ये मैंने अपनी हालांकि मोबाइल से रिकॉर्ड किया बगैर माइक के किया, ठीक है मुझे पता है इनका मोबाइल ओप्पो का और ओला का मोबाइल ओप्पो का तो उसका साउंड बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने कहा कि मैं भी इनके मोबाइल में रिकॉर्ड करके चेक करती हूँ साउंड कैसा है। मैं जाऊँगी अंदर इसको फिर अपने मोबाइल में शिफ्ट करूँगी, फिर इसका साउंड जब एडिट करते हुए चेक करूँगी, पहले मैं दूसरा ब्लॉग एडिट करूँगी, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरी बार कह रही हूँ ठीक है, क्योंकि ब्लॉग सच में एंड होने लगा है, दिल ही चाह रहा वैसे ब्लॉग एंड करने का कसम से, लेकिन बस एंडिंग करते हैं इसको, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।